समझ जाया करो, समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा क्या? तू ये क्या कर रही है, मार रही है मेरे को, इतनी देर से फोन से समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों मार रही है? नहीं देती, क्या कर रही है आप? आपके लगा थोड़े उस वाली देखे गई रोटी मेरे को थोड़ी सा। अच्छा फिर वो कहते हैं तेरे बहू कहाँ है, वो क्यों नहीं करती? उन्हें देखो मेरी बात, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को दुनिया देखेगी इसको मारेगी। अच्छा पानी भर और कपड़े धो, यहाँ तक कि जब मैं दवाई मांगू तो मुझे मना कर देती है। दवाई की भी? दवाई की मना कर देती है, कहती है अपने आप ले लो, मैं तो नौकर हूँ तुम्हारी, ऐसे बोलती है मेरे को। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। है बेटा है, तू नहीं समझता। तो बाहर जाता रहता तो घर में तेरे को पता नहीं है तेरी माँ के साथ क्या हो रहा क्या नहीं है। भाई मैं बिलीव कैसे कर लूँ भाई, मेरे आगे तो सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सारे के सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है धीरज सिंह और भाई तुम्हारा नाम क्या है? रवि। और आंटी जी आपका नाम क्या है? मधु। तो भाई जो दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है यार, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है और इनसे बहस कर करके ना मेरा भाई दिमाग ख़राब हो गया पूरा का पूरा, ये यकीन करने को तैयार नहीं है। और अम्मा जी की जो दिक्कत है भाई बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, क्योंकि ये बाहर रहता है भाई किसी काम से सिलसिले में। तो आंटी जी आपने सारी बताओ, जो भी आपके साथ दिक्कत परेशानी जो भी बीत रही है ना आपके साथ, आपने कैमरे में सब बताओ एक बार कि क्या परेशानी हो रही है आपके साथ। बेटा मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशानी भी है, बहुत दुखी हूँ। मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर रहता है ज़्यादातर, और इसने लव मैरिज करी थी, मैं एक्सेप्ट कर लिया, घर ले आए, शादी करा दी, सब कुछ करा, पर ये लड़की गलत है। अच्छा। ये मेरे को बहुत तंग करती है, बहुत दुखी करती है कि मैं बता नहीं सकती मेरे से क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, क्यों बोल मेरे से सारे काम करवाएगी, बर्तन मांज, अच्छा, पानी भर, अच्छा, और कपड़े धो, यहाँ तक कि जब मैं दवाई मांगू तो मुझे मना कर देती है। दवाई की भी? दवाई की मना कर देती है, कहती है अपने आप ले लो, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारी, ऐसे बोलती है मेरे को। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। है बेटा है, तू नहीं समझता। तो बाहर जाता रहता तो घर में तेरे को पता नहीं है कि तेरी माँ के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भाई मैं बिलीव कैसे कर लूँ भाई, मेरे आगे तो सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। क्या कारण है जो तुम बात करता हूँ कि मम्मी को पहले से वो लड़की पसंद नहीं थी, आपको पसंद नहीं थी, तो इसका मतलब थोड़ी ना पसंद नहीं थी तो पसंद करके शादी कराई ना। हाँ ठीक है, बट मेरे सामने तो भाई एकदम ठीक रहती है यार, सब कुछ एकदम टाइम से खाना पीना था, दवाई वाई सब ना, तब तो कर देगी। अच्छा तब कर देगी जब ये घर होगा। हाँ जब ये घर होगा, बाद में तो मेरी नाक में दम करती है वो। अच्छा ये इसको मैं नहीं मान सकता इस बात को, क्योंकि मेरे सामने तो एकदम सही करती है, मैं नहीं मान सकता। मैं भी तो यही कह रही हूँ, झूठ बोल रहे हो। जब तू घर होता है तो ये कर देती है, नहीं, मैं नहीं बाद में मेरे से ऐसे बदले लेती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं एक बात बताऊँ मेरे भाई, देख किसी को ना शोक नहीं होगा, तेरी माँ आई है, इसने तेरे को पैदा करा है, ठीक है, इसका तो लिहाज कर ले कम से कम। भाई वो बात कल की मतलब लव मैरिज है तो कल की लड़की के चक्कर में तू अपनी माँ को गलत बोलेगा? भाई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे विश्वास कर लूँ मैं? क्यों तेरी माँ को वो लड़की अगर पसंद ही नहीं होती तो वो तेरी शादी करा देती? ये बता भाई। चलो वो मेहरबानी थी इन्होंने, मेरी बात सुन ले, देख बाकी तेरी बात जो भी ठीक है ठीक है। आंटी जी आपने एक बार फोन करो, तू फोन करके बता मत दियो कि तू आ रखा है, ठीक है? नहीं बता, मेरे साथ छुपा रही हो तू, कोई बात मैं तेरे को दिखा दूंगा कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ठीक है? पता लग जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं आंटी, आप फोन मिलाओ, ठीक है, आप कॉल मिला के ना पार्क में बुलाओ उसको। और भाई जब तक के लिए आंटी पार्क में बुला रही है ना भाई, जब तक के लिए ना कैमरा बंद कर दो, हाइड कर दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। और आंटी आप उनको फोन करके ना यहाँ बुलाओ। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में। हेलो अभी मैं इससे बुढ़िया से बात कर लूँ, इतना मेरा जीना आराम कर रखा है, चलो करती हूँ मैं तुम्हें कॉल। हाँ आ गई है। हाँ बैठ। क्यों बुलाया है? मैं बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी है? तू कहाँ थी? क्यों? हाँ कहाँ थी? क्यों कहाँ थी? क्या तेरे को पता है? मतलब है तेरे को पता है कि घर में बूढ़ी अम्मा बैठी है कि मैंने खाना देना है, पानी देना है, कुछ भी दवाई देना नहीं। अगर मैं बनाने लायक होती तो तुझे क्यों करती? मैं तो खुद ही बीमार रहती हूँ, मुझे इससे वो नहीं है बात। मेरे को ये बताओ मेरे को यहाँ क्यों बुलाया है? इसीलिए बुलाया यहाँ बैठ में बात करनी कि तू कहाँ जाती है, हाँ क्या करती है, कहाँ रहती है? तेरे को कोई चिंता नहीं है, घर की कोई फिक्र नहीं है? मेरे को किसी की कोई फिक्र नहीं है। नहीं घर में कोई है, उसको खाना देना है, पानी देना है, कुछ करना है? क्यों दूँ मैं? अपने आप करो, भगवान ने हाथ पैर दिए ना, सबको दिए हैं, तो फिर अपने आप करो। तो अपने घर में भी ऐसी मम्मी पापा को बोलती है? सब अपने आप करो, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी आके लाई हूँ मैं तेरे को, ब्याह के लाए हो तो इस एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर? हाँ, और ब्याह के लाके किसी नौकरानी को ब्याह के नहीं लाए हो आप? नौकरानी नहीं, घर की तू बहू है, बहू है। देखो दिमाग खराब मत करो यार। दिमाग नहीं मैं खराब कर रही, मैं सही कह रही हूँ। मैं खुद बीमार हूँ यहाँ पे मेरे को। हाँ बैठ, तू यहाँ बैठ जरा।
हाँ मैं बात कर मेरे से आज तो क्लियर कि क्यों परेशान करती है मुझे इतना। क्या परेशान किया मैंने? अरे मेरे को सुबह से मैं भूखी बैठी हूँ, पड़ोसी आके मुझे रोटी दे रहे हैं। तो क्या हो गया दे दिया? अच्छा। तो आप नहीं बना सकती? नहीं बना सकती ना। क्यों? मेरे तो बाजू में इतना दर्द है, तुमने मेरी बाजू में रोड़ी उस दिन। अभी तो मरोड़ी है। हाँ अच्छा, इतनी मेरे को दर्द है। दिखाने के लिए बैठी हो? दिखाने के लिए मैं तेरे से बात करने की, तू क्यों मेरे साथ ऐसा करती है? क्या कर दिया? अपना काम खुद कर सकती हो? जी मेरे से मैं कह रही हूँ ना, तूने मेरी बाजू में रोड़ दी तो नहीं चल रही, नहीं हो रहा मेरे से काम, कुछ नहीं हो रहा। मेरी बाजू में बहुत दर्द है। ये ड्रामे मत दिखाओ, दर्द है। ड्रामे मत दिखाओ। हाँ, नहीं तू मेरे से सारे काम करवाएगी। करोगे? आपका नहीं होते मेरे से, नहीं होते काम। अब नहीं होते मेरे से काम, मैं क्या करूँ? नहीं होते। ये रोना रानी मेरे सामने मत करना। मेरे से नहीं होते। ठीक है ना, काम कर लिया करो। सुबह से तो घूम रही है, ऐश परस्ती कर रही है, और मैं यहाँ दुखी बैठी हूँ, भूखी भूखी बैठी हूँ। खाना नहीं बनाया? कहाँ कहाँ बनाया खाना? पड़ोस वाली दे के गई रोटी मेरे को। तो फिर वो कहते हैं तेरी बहू कहाँ है, वो क्यों नहीं करती? उन्हें देखो मेरी बात, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो है, मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। ऐसे नहीं है परिवार में, ऐसे नहीं चलता परिवार में, ऐसे नहीं चलता बिल्कुल भी। ये बताओ, इसे यहाँ ड्रामे मत दिखाओ। मैं ड्रामे नहीं दिखा रही, तू मेरे साथ करती है बुरा, तू मेरे साथ बुरा कर रही है। मेरा बेटा आएगा ना, ये सब दिख देख। हाँ घर में बात हो सकती थी ना ये? अच्छा करती है तू घर में बैठती, कब रहती है घर में मुझे ये बता दे। नहीं माँ समझ जाए करो, समझ नहीं आता। नहीं समझ नहीं आ रहा क्या? तू ये क्या कर रही है, मार रही है मेरे को? तो इतनी देर से बोल रही, समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों मार रही है मुझे? नहीं क्या क्यों मार रही है? नहीं क्यों मार रही है मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? ये रो के क्यों दिखा रही हो? क्यों मारती है मुझे? क्यों मार रहा है? नहीं क्या क्यों मार रहा है मुझे? रोटी नहीं देती। क्या कर रही है आप? कैसे लगा रही है? आप कैसे लगा रही है? मेरा पति कहाँ काम करने के लिए जाता है? सास को मारती है। मैं कौन हूँ तो मेरी बात? सास को मारेगी। कौन है ये तेरी? ये बता क्यों मेरी सास है? सास है ना? हाँ सास को आती है। तो आप होते कौन हो? मैं होता। मेरी बात सुन, तमाशा मत करते यार, बात बता। शर्म क्या मेरे को बहुत टॉर्चर करती है, बहुत टॉर्चर करती है मुझे ये। शर्म नहीं आ रही है? मेरे से मैं मेरे होते नहीं हो कोई बोलने वाले पीछे ना। मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, मेरे को मार दिया है, मेरे बाजू में इतना दर्द हो रहा है, मेरे को कहती है काम कर। दुनिया देखेगी इसको, मारेगी। मम्मी तुम मेरे को मार रही है, मेरे को मार रही है। क्या कर रही है? मेरी मम्मी को मार रही है? क्या कर रही थी? मेरे आगे तो बड़ी सीधी बन रही थी तू? लगा दो मारती है, कहते काम कर, काम कर। तो आप चुप हो जाओ, आप टेंशन मत लो, अभी देखता हूं मैं। चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ अभी। लगा आप बताइयो, आप बताइयो क्या कह रही थी तू? अभी क्या कह रही थी? बोले के कपड़े धुलवाएगी, मेरी माँ से कपड़े धुलवाएगी। धुलवाइयो कपड़े, धुलवाइयो, धुलवाना। क्या सावित्री बन रही थी तू? है मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी को मारेगी तू? अब हाथ लगा, लगा हाथ सामने, लगाइयो सामने, लगा हाथ, लगा हाथ, लगा है, लगा ना, लगा। अब क्या हो गया? अब डर लग रहा है? वहाँ देख, वहाँ देख, क्या देखो कैमरा भी है, देख वहाँ पे, देख उधर। ये तो मेरे को पता नहीं था तू ऐसे करती है। कैमरा देखो सारी, ऐसे डिवोर्स दे दो मत लो। आपको क्या हो गया? दवाई चाहिए? अब रुक जाओ, दवाई करवाते हैं आपकी। क्या तेरे को जरा से भी शर्म नहीं है क्या?
शर्म बेच के खा गई है इस उम्र में, काम करो ये सब करने के लिए, मतलब काम करवा रही है तू? कैमरा 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 करवा लो, ये पब्लिक पूरा तमाशा देखेगी और ऐसी देखेगी, समझ गई? ये पब्लिक में भी पता लगना चाहिए तू कर क्या रही है। इसके घर वालों को पता चले क्या संस्कार दिए। शर्म नहीं तेरे को? जमीन में मुझे पता लग गया कैसी है ये, इस उम्र में काम करवा रही, बिल्कुल एकदम टेंशन मत लो। कैमरा वैमरा नहीं हटेगा, ठीक है? अब कैमरा लग रहा है, कैमरा हटवा दो। कैमरा छोड़, मेरे को पता चल गया अब तेरे बारे में सब कुछ। सुन, मैं तेरे को इसकी ना प्रूफ दूंगा, ठीक है? आंटी की लग रही तभी ज्यादा खराब मेरे को, तू आंटी को पहले हॉस्पिटल लेके जा और तू ना यहाँ से निकल जा, दिखाई मत दे मेरे को। तू तू चल जा, निकल निकल यहाँ से। सुन, इसको डिवोर्स दे तू, ठीक है? मैं तेरे को क्लिप भेज देता हूँ, आंटी आंटी के नंबर से मेरे नंबर लेके फोन कर दियो मेरे को, आंटी को पहले भाई पहले लेके जा। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है ना आंटी जी? आप उठ जाओ एक बार और आप मेरा माइक ऑन, आप जाओ एक बार आंटी को दिखा, ठीक है? आंटी की बीपी लो हो गया, अबे आंटी पे दो चाटे मारे हो उसने, इतना तो शर्म कर ले। अभी यकीन हो गया भाई? मुझे अभी यकीन हो गया ना? पहले नहीं पता डिवोर्स चाहिए, ठीक है? अगर नहीं डिवोर्स होगा ना, नहीं भाई, तो उसके साथ साथ ना तेरी भी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं फिर, ठीक है? पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, समझ गया ना? आंटी को ले जा पहले हॉस्पिटल, जा जल्दी जा। तो जैसा कि भाई यार आपने देखा यार, मतलब उस आंटी की भी यार इतनी तबीयत खराब हो रही थी कि मैंने ना वीडियो को ज़्यादा लंबा, मैंने सोचा कि क्या उसको मैं इतना मारूं, क्या पीटूं लड़की को, और इसलिए मैंने भाई वीडियो को तुरंत ही एंड करा। मैंने बोला इस लड़की को निकाल दे या तो भगा दे चाहे कुछ कर, पर लेकिन डिवोर्स तो जरूर देगा वो। पर मैंने इसलिए वीडियो को इतनी जल्दी ख़त्म करा भाई, क्योंकि ना अभी उस समय आंटी की तबीयत ख़राब हो रही थी भाई, उसको समझाने का लड़की को टाइम था ही नहीं। लड़की को समझाता तो लड़की की तुम्हें पता ही है समझती है, और समझ एक कान से सुन के एक कान से निकाल देती है। तो इसलिए भाई जल्दी एक्शन लेना पड़ा, और उसके बाद ना आंटी जी को तब तुरंत के तुरंत भेजा मैंने, बोला कि जा भाई एक बार अपनी मम्मी को लेके जा हॉस्पिटल में, क्योंकि यार उनकी तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी मेरे को जिस हिसाब से मैं देख रहा था। तो तुरंत के तुरंत इसलिए मैंने भेजा। और बाकी भाई इस वीडियो को इतना मैसेज तौर पर शेयर करो ना कि वो लड़की जो गलत कर रही है ना, उस लड़की को ना इतना कब तक, मतलब तब शर्म आनी चाहिए जब उसको पब्लिक टोकेगी ना, कि 10 बंदे मिलकर टोकेंगे कि ये है लड़की, वो ये क्या करती है अपने सास के साथ, कितना गलत काम करती है, तो तब जाके ना उसको असली और असली शर्म। वो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी लड़की यार, मतलब उम्र नहीं देख रही, उन पर हाथ उठा रही यार, वो बताओ कितनी क्या हालत हो रही थी उनकी। तो भाई इस वीडियो को ना मैसेज के तौर पर इतना शेयर करना कि वो लड़की जहाँ भी अगर दिखे ना, तो ऐसे ऐसे मतलब इतने बंदे ऐसी तैसी करें ना उसकी, कि क्या करती है वो अपने सास के साथ, पता लग जाए खुद के माँ बाप माँ बाप है और दूसरों के माँ बाप माँ बाप नहीं है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बहुत ज़्यादा ही शेयर करो भाई मैसेज के तौर पे, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना जिससे कि आती नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों ये मेरी इंस्टा आईडी है, आगे इस पर मेरे को मैसेज करो, फॉलो करो, बातचीत करते हैं। नई इंस्टा आईडी दोस्तों, तो धीरज प्रैंक के नाम से भी मेरा पेज है, उस पर भी आके मेरे को फॉलो करो, पेज लाइक करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई, जब तक के लिए बाय।